विवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, लेकिन कैसे? डबू, नाउ टेल मी, किस म्यूजियम से उठा के लाए हो तुम ये गोला? अनन्या, वो सच बताओ मुझे, इस पर क्या फंडा दे रहे हो तुम सबको? कोई फंडा नहीं है, सब क्लियर है. वो एक्चुअली विवान को है ना, डॉक्टर के वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक ये सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा. इसीलिए तुम ये लेके आए हो? हाँ, अब थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा ना. अब मुझे 3-4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, तब तक मैं विमान को वापस ले आऊंगा. अब मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको. पर इतनी देर यहाँ रुक के मैं क्या करूँगी? इस गोले को हिप्नोटाइज करूँगी क्या? नहीं नहीं, इस गोले का ख्याल रखोगी. मैंने कहा ना कि माँ इस गोले के पास नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि विवान यहाँ पर नहीं है, है ना? हाँ, ये बात भी सही है. ओके, तो मैं चलता हूँ. ओके, थैंक यू अनन्या. मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए सामने आकर जो कहना चाहती हो कह दो. बताओ, उस गोले पर तुमने समय सीमा क्यों लगाई है? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम खून देने में जितनी देर करोगे बालवीर, तुम्हें उतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए हार मान लो. उस कवक के अंडे की सतह बहुत कठोर है, इसलिए उसे खोलने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ेगी बालवीर. ऐसी प्रचंड शक्ति सिर्फ परितारा के पास है. शौर्य, इस चाबी को बनने में कितना समय लगेगा? ये कोई साधारण चाबी नहीं है बालवीर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो. बालश्री, आपने ठीक कहा था, बालवीर के पास अब भी कोई चाल बाकी है, इसलिए मेरी चेतावनी देने के बाद भी उसके चेहरे पे डर की एक सिलवट तक नहीं पड़ी. ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को अपने फेयर को हाइड करना बहुत अच्छे से आता. एक समझदार योद्धा वो होता है जो कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकता. अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बालवीर अपनी तरकीब की कोई चाल लेकर आया है, तो क्या करोगे तुम? लाने दीजिए उसे तलवार मिस्टर बी, क्योंकि जब तक बालवीर लौटेगा मैं उससे 100 स्टेप्स आगे निकल गया हूँ. मतलब ये ब्रिगेंजा कि अब उस गोले को गायब करने का काम तुम्हारा होगा. अच्छा, मैं क्यों जाऊँ? मैं कोई जादूगर हूँ जो छू मंत्र बोलके गोले को गायब कर दूंगा? मैजिक नहीं ब्रिगेंजा, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा. चिंटू, तुझे क्या लगता है वो देबू जो गोला लाया है वो सच्ची में कोई साइंस प्रोजेक्ट है या कुछ और? क्वेश्चन मत पूछो मोंटू भैया,
जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। ले आ गया इडली वाला, खा ले। मैं इडली वाला नहीं हूँ। अरे मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे अंदर की भूख और जिज्ञासा दोनों जाग जाएगी। कौन हो तुम? कौन हूँ वो छोड़ो, और तुम कौन हो वो पकड़ो। कौन? जीनियस। जीनियस? तुम जो गोला का बात कर रहा था ना, वो गोला कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। अब इस गोले को क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। वैसे वो गोले में है क्या? हाँ बताता बताता। उस गोला के अंदर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, दुबई, मस्कट, ये सब कंट्रीज का चॉकलेट और टॉफीज भरा है। मुंडू भैया, वैसे क्या बोलते हो आप, वो गोले को हम निकालें? हाँ, let's do it. चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रही हूँ। कुछ तो नाम होगा ना तुम्हारा? People call me Ray. Ray? Oh my God. Sorry, Ray. वो actually फोन पे मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई। It's all right, Ananya. अगर तुम नहीं पहचान पाए तो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर पहचान लूंगा। And you know why? Why? Because तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, एकदम मॉडर्न जैज की तरह। लायो। Is that so? तो एक काम करो, घर के बाहर आकर खुद ही मेरी आंखों में देखकर बता दो that I am liar or your admirer. Oh my God, तुम घर के बाहर हो? वही रुको, मैं अभी आती हूँ। बिजी तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मतलब हाँ थोड़ी सी बिजी हूँ, पर 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ। सुनो, तुम वही रुकना ठीक है, और फोन मत काटना, मैं बस आ रही हूँ। ओके ओके। हाय, सो मिस्टर एडमायर, ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? अरे हम फोन काट सकते हैं। सॉरी, बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारा ब्यूटीफुल सा फेस देखने के लिए, ताकि आज का दिन लकी हो जाए। रे, यू टू मच। सच सच बताओ ना, क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? मैं सोच रहा था कि भारत नगर में शिफ्ट हो जाऊं। व्हाट? ये इसका मतलब कि तुम हमेशा पास रहोगे? आई मीन कॉलेज के पास रहोगे, मतलब कॉलेज भी तो यहाँ से बहुत पास है ना, और तुम ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। सुपर आइडिया। एग्जैक्टली। तो बताओ मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शिफ्टिंग से पहले तुम्हें मेरी हाउस हंटिंग में हेल्प करनी होगी। या ऑफ कोर्स। किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? जब तक ब्रिगेंड्स आगे प्यादे अपना जॉब पूरा नहीं कर लेते, मुझे इस लड़की को यहीं बिजी रखना पड़ेगा। चॉकलेट मुंडू भैया,
मुझे गंडा मेरी चॉकलेट। करुणा आंटी भी आनी है, फटाफट इसे लेके निकलते। हाँ चलो उठाओ 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 उठाओ। शौर्य, इस अखंड ब्रह्मांड चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम इस चाबी को अपने हाथ पर पहनकर जैसे ही उस कवक के अंडे को छुओगे वो अंडा खुल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, इस चाबी का प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी तुम्हें। ऐसी गोले इतना भारी क्यों है? इसमें चॉकलेट है या फिर पत्थर? अरे क्या है ना, इसमें फॉरेन की भारी वाली चॉकलेट है, इसीलिए इतना भारी है। खींचो खींचो। लो लो लो। अंडा रखा गया। गोला कहाँ चला गया? अनन्या, अनन्या, ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? बताओ ना किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? अब घर जैसा घर चाहिए और क्या? ये कैसा आंसर हुआ? अब मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किस टाइप का घर चाहिए? 1 BHK चाहिए या फिर कोई विला चाहिए या फिर पेंट हाउस चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट घर चाहिए? प्लीज स्पेसिफिक ना। अब इतने सारे ऑप्शन दे दिए तुमने मुझे एक साथ, तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। अब ये भी बात सही है, तो एक काम करते हैं हम ना, कल या परसों में तुम्हारे लिए हाउस हंटिंग करते हैं, क्योंकि आज मैं ना थोड़ी बिजी हूँ। ओके डील, आई विल कॉल यू। थैंक यू। शौर्य, ये वही कवक का अंडा है ना जिसे जयकास ने बनाया था, हाँ, जो बालवीर के अतीत से जुड़ा है। हाँ बालपरी, अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस कवक के अंडे को खोलने के बाद बालवीर को सिर्फ विवान मिले और अपने अतीत का कोई राज न मिल पाए, क्योंकि अगर उसे अपने अतीत के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वो विभा तो यहाँ नहीं आई थी, शायद वही ये गोला उठा कर ले गई हो, लेकिन अनन्या तो यहीं पर थी। फिर भी ये निशान किस चीज के? ए छोटा बालवीर, मजा आ रहा है क्या? तू अंदर ही मजे ले बेटा। गोला पावा कर लिया मैंने, अब बताओ आगे क्या करना? इस गोले को हम शिंकाई ले चले? नहीं ब्रिगेन सर, तुमने सुना होगा ना कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए हम इस गोले को यहीं छोड़ देंगे। अरे ये क्या उल्टी बात कर रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए ही नहीं था तो फिर चोरी क्यों करवाया मुझसे? असली हम गोले को चोरी करना नहीं था ब्रिगेन सर, असली हम तो बालवीर का फोकस डिस्ट्रैक्ट करना था। अरे लेकिन ये गोडाउन तो बालवीर के घर के आसपास है, अगर बालवीर को ये गोला मिल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ ब्रिगेन साहब, ये गोला बालवीर को जल्द से जल्द मिल जाए। ये क्या उलझुल बक रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों, और चुराया तो वापस क्यों कर रहे हो? ट्रस्ट मी ब्रिगेन साहब, मेरा नेक्स्ट मूव एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिसे देखकर बालवीर हेल्पलेस हो जाएगा और उसे अपना प्लाज्मा मुझे देना ही पड़ेगा। Thank you.
मैंने कहा था ना ब्रिगेंसा, इस बार मैं बालवीर से 100 steps आगे रहूंगा। इतने सारे गोलों में से फान किस में? ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? गोले 100 और चाबी 1, ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है, लेकिन इस मुश्किल पहेली को मुझे किसी भी तरह सुलझाना ही पड़ेगा, और वो भी समय सीमा के खत्म होने से पहले, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तरकीब है, मैं विवान को आवाज लगाता हूँ, शायद वो मेरी आवाज सुन ले। विवान, 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 विवान कहाँ हो तुम? विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। विवान, विवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? विवान, विवान, जवाब दो। विवान, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लगता है मुझे अंतर्मन की शक्ति से विवान से बात करनी पड़ेगी। विवान, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो विवान, विवान। ये सब काम मेरे पास अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है, तभी तो वो मुझसे एक कदम आगे रह रही है। मैं जितने भी बार विवान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हर बार मेरे लिए काम उतना ही मुश्किल कर देता है। आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? वो मैं हूँ, वन एंड ओनली रे, जो एकदम कूल रहकर बार बार तुम्हें फूल बना रहा है बालवीर, जिसके अमेजिंग प्लान से तुम्हारे पास कभी गोला होता है तो चाबी नहीं, और चाबी होती है तो तुम्हें ये पता नहीं होता कि उस चाबी से किस गोले को खोलकर विवान को बचाना है। Say it, बालवीर, say it, कि रे ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है। बड़ा मजा आ गया बालवीर को बिना पानी के मछली की तरह तड़पते हुए देखकर। बिरबा, बहुत ही कमाल के आविष्कार हैं तुम्हारे। कमाल सुंदरी जी, कमाल! कैसे हम यहाँ से कोई भी चीज इस चलचित्र पर देख सकते हैं? कमाल का आविष्कार बनाया आपने तो। अब ये कौन सी मुसीबत आई तुम सब पे? मेरा मतलब है हम सब पे। लगता है ये कोई परी है। दोनी परी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। विवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ बालवीर, इसीलिए मुझे बालपरी ने यहाँ भेजा है। तो फिर देर किस बात की, तोड़ देते हैं इन गोलों को। नहीं थोड़ी परी, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर 100 गोले हैं, पर हमारे पास केवल एक चाबी है, जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। अब अगर मैंने गलती से गलत गोला चुन लिया तो विवान 20 सालों के लिए इन गोलों के अंदर कैद हो जाएगा, और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। एक तरीका है मेरे पास, मैं अपनी ध्वनि तरंगों से विवान की धड़कन और सांसें सुन सकती हूँ। हाँ थोड़ी परी, कोशिश कीजिए। ठीक है।
बालवीर, मुझे विवान की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज उस गोले से आ रही है। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। रुको बालवीर,